लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे। बता दें कि 19-7 चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एक बस्तर जबकि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट शामिल है। आज बुधवार को पहले चरण में शामिल लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन है, जहां छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। एसपी और शुभंकर सम्मानी वीडी भाई साहब जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री पिलाजी भाई साहब, राजू भाई साहब भी आ रहे हैं और एक बड़ी सभा होगी, उनके साथ भी आकर मैं नामांकन दाखिल करूंगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी इस अवसर पर आ रहे हैं, तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में किस तरीके से प्यार रहता है और उनके साथ में पार्टी पूरी। तो कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लोकसभा प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया है। दोनों ही लोकसभा प्रत्याशियों के साथ भारी संख्या में समर्थक और तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने भी आज नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा भर दिया है। अपने 5 समर्थकों के साथ कवासी लखमा कलेक्ट्रेट पहुंचे। हमने जमा किए हैं, अभी 2 बजे फिर करेंगे। किन मुद्दों को लेकर बस्तर का विकास, बस्तर का आवास को दिल्ली में बुलंद करेंगे। लगातार छत्तीसगढ़ में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में मैं 6 बार MLA थे। बस्तर का बात को विधानसभा में उठाया, कुछ काम हुआ, कुछ काम हुआ नहीं है, ये प्रमुख मुद्दा होगा। जहां आज पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, तो वहीं तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां आज प्रत्याशियों के साथ नामांकन रैली में बीजेपी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशियों के साथ प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी नामांकन रैली में मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील की। छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते, कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चों को मौका नहीं मिला। ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? और इधर कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अरुण यादव नामांकन रैली में शामिल रहे। कांग्रेस की तरफ से अनूपपुर में फुंदेलाल मार्को, मंडला में ओमकार मरकाम और बालाघाट में सम्राट सिंह सरस्वार की नामांकन रैली में तमाम कांग्रेसी दिग्गज शामिल हुए। 5 साल के सांसद और 3-10 साल विधायक, दोनों में निर्णय होना। हेमाद्री जी न किसी के सुख में आई, न किसी के दुख में, न किसी गांव में गई, न किसी मोहल्ले में, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हम और अहंकार में फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। 5 साल में संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया, सवाल है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम युवाओं को 8,500 की पक्की नौकरी देंगे, ग्रेजुएट युवा बहनों को आर्थिक संबलता के लिए 8,500 रुपए की हर महीने सहायता करें। ब्रांडिंग को सिर्फ बैनर पे विज्ञापन टूर्नामेंट जो खर्च करती है,
2 करोड़ की ये गारंटी दी थी मोदी जी ने युवाओं को, आज तक 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली। क्या एमएसपी की जब बात करना चाहते किसान कहीं शहीद हो गए, क्या एमएसपी की गारंटी मोदी क्यों नहीं देना चाहते? तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए ब्रांडिंग और बैनर पोस्टर की सरकार है और किसानों कर्ज माफ नहीं करना चाहती। कांग्रेस ने पहले भी किसान कर्ज माफ किया था, अब की बार लोकसभा में आएंगे हर किसान ने कर्ज माफ। और ज्यादा जानकारी लेंगे, अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से इस वक्त सीधे जुड़ गए और सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से हैं। सबसे पहले अजय आपकी ओर रुख करूंगी, और आज नामांकन का आखिरी दिन था। वैसे भी पहले चरण के नामांकन में जो तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों ने नामांकन के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। अजय आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार उसे आप चेक करिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, एक सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है, वो है बस्तर, वहां से कवासी लखमा प्रत्याशी बनाए गए हैं, आज नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया है। दोनों की तस्वीरें क्या थी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है कांग्रेस पार्टी की ओर से बस्तर लोकसभा क्षेत्र से, और इसी के साथ साथ महेश कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। जरूर ये कहा जा सकता है कि इस नामांकन के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन थोड़ा ज़्यादा पुरजोर और मजबूत इसलिए दिखाई दिया क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, और साथ साथ प्रदेश के सब प्रभारी हैं, दोनों डिप्टी सीएम और कई सारे मंत्री दिखाई दिए मंच पे। इसके साथ साथ हुंकार भी भरती हुई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ही वरिष्ठ नेता दिखाई दिए और बस्तर जीत का दावा करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज थे, और कवासी लखमा जो काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, विधायक हैं अभी कोंटा विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो निश्चित तौर पर बस्तर चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण हर बार होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या दूसरे चुनाव, क्योंकि कई सारे इलाके ऐसे हैं जो अति संवेदनशील भी हैं और वहाँ चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। वैसे क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान है और उस मतदान की तैयारी में निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर जुटा हुआ है, लेकिन सियासी दल अपने स्तर पर जुटे हुए हैं, और आज सियासी दलों की ओर से मुख्य तौर पर कहें भाजपा और कांग्रेस की ओर से अपने प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया गया और साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी करके बताने की कोशिश की गई कि मैदान में हम हैं और दो दो हाथ कर रहे हैं, मैदान में हम हैं और हम कमजोर नहीं हैं, ये बताने की साफ कोशिश दोनों मुख्य राजनीतिक दलों की ओर से। मैं लौटूंगी आपके पास सत्य प्रकाश। अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, 6 सीटें मध्य प्रदेश की जिसमें पहले चरण में चुनाव होने हैं, उसके लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख थी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें हैं, उस पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है और आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, कैलाश विजयवर्गीय हों और उनके साथ साथ प्रहलाद पटेल, अलग अलग जबलपुर बालाघाट जिलों में गए, अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया, छिंदवाड़ा गए, छिंदवाड़ा में नामांकन दाखिल हुआ और शक्ति प्रदर्शन भी किए। और साफ तौर पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर और कमलनाथ पर जिस तरह से परिवारवाद का भी आरोप लगाते नजर आए, क्योंकि 40 सालों से लगातार जिस तरह से छिंदवाड़ा में कमलनाथ और कमलनाथ के बेटे जीत कर आ रहे हैं, तो अब छिंदवाड़ा की जनता को लेकर उन्होंने ये बयान भी दिया है कि हमेशा क्या कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नेता के जो बेटे हैं अनुकुल नाथ वही चुनाव जीतते आएंगे, जनता नहीं लड़ेगी वहां चुनाव। तो साफ तौर पर परिवारवाद पर उन्होंने परिवारवाद पर कटाक्ष किया है। उसके साथ जीतू पटवारी भी अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया है। साफ तौर पर सरकार को बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरते नजर आए जीतू पटवारी अब इन मुद्दों के आश्रय जनता के बीच जा रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर, लेकिन लोकसभा चुनाव में कितना भुना पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने जिस तरह से लेट देरी से नामांकन दाखिल करना, देरी से लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान जहां पार्टियों ने एक और शक्ति प्रदर्शन किया है अजय, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए एक और चुनौती थी शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ, वो है अपनी एकजुटता दिखाना, उसमें कितनी सफल रही पार्टी?
कांग्रेस में जब से जीतू पटवारी ने पीसीसी चीफ के तौर पर मध्य प्रदेश में कमान संभाली है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से मध्य प्रदेश में आई है, तब से लगातार जो बड़े चेहरे थे कांग्रेस का हाथ छोड़ते नजर आए, क्योंकि 16,000 के करीब जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जबलपुर से बात करें, महाकौशल से बड़े फेसेस के तौर पर जगत बहादुर अन्नू हो, सुरेश पचौरी हो, ऐसे बड़े बड़े नेता, चाहे खजुराहो लोकसभा से बात करें, चाहे पन्ना से हो, चाहे नर्मदापुरम से बात कर लें, चाहे रीवा सीधी सिंगरौली शहडोल से बात करें, लगभग चाहे ग्वालियर चंबल से बात करें, हर एक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में जनपद सदस्य, पूर्व जन अध्यक्ष, पूर्व महापौर जैसे, जो जिलाध्यक्ष जैसे पदों पर कांग्रेस में रहे हैं, लंबे सालों तक कांग्रेस का झंडा बुलंद किए, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन, पार्टी का साथ छोड़ा तो पार्टी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।